उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में बसा ये गांव लीती है। लीती अपनी प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बेरोजगार की बहुत समस्या है सर। लोग बाहर जो है बाहर कुछ जाने की सोच रहे हैं, ऐसे टूरिज्म चले, यहाँ पर होम स्टे चले तो यहाँ का अपलायन रुक सकता है और आदमी रोजगार में लग सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की सांस्कृतिक व प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पर टूरिज्म की अपार संभावना है और इसको देखते हुए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का प्रयास चिनार द्वारा किया जा रहा है और क्षेत्र में होम स्टे, ट्रैकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग, इस तरीके की टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले वर्ष चिनार द्वारा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का भी आयोजन किया गया। पिछले साल जिम्बाब्वे और ताइवान से भी मेरे पास टूरिस्ट आए थे, उससे भी मुझे काफी फायदा हुआ और जिस वजह से 14,000 का आय हुई और आसपास के लोगों का घर भी लगा और मैंने उससे बच्चों की फीस थोड़े खाते में जमा, थोड़े बच्चों की आरडी और इस बार पर्वत दिवस मनाया गया जिसमें काफ़ी बाहर के टूरिस्ट आए और गांव घरों में लोगों के कमरे किराए में लगे, मेरे भी लगे और उड़ीसा कॉलेज से दो छात्र मेरे पास एक महीने के लिए रहने के लिए आए, जिसे भी उन बच्चों से मेरे को फायदा हुआ। गाय लाए हमें दूध देने वाले, पानी की समस्या हो रही थी, पानी की टैंक बनाए और घर कमरे आंगन की थोड़ा मेंटेनेंस और टूरिस्टों में भी कुछ पानी बर्तन आदि जोड़ते ही रहते थे। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका को बेहतर करेगा और पलायन को कम करेगा और साथ ही लोगों की जिंदगी में एक नई खुशहाली लेके आएगा।